डंके की चोट पर बोले शास्त्री, आलोचकों को दिया मुंह तोड़ जवाब। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद टीम इंडिया के हेड कोच रविवार शास्त्री ने पलटवार किया है। शास्त्री ने कहा कि मैं आलोचनाओं से घबराने वाला नहीं हूं, बल्कि इन आलोचनाओं का मुझे आनंद लेना आता है। गौरतलब है कि इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद कोच शास्त्री की जमकर आलोचना हुई थी। टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। वही टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। दरअसल गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में शास्त्री ने बताया है कि वे किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। शास्त्री ने बताया कि वे केवल ट्वीट करते हैं, न कि वे ट्विटर पर कुछ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ एक या दो न्यूज पेपर पढ़ने का समय रहता है और उसे ही वह अच्छी तरह पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ करने का समय नहीं होता। शास्त्री ने कहा, मैं पूरी तरह से सोता हूँ। मैं उस युग में जी रहा हूँ जहाँ मेरे पास एक दो न्यूज पेपर पढ़ने का समय है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और समय नहीं है। मैं ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हो सकता हूँ। मैं केवल ट्वीट करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। इंटरव्यू के दौरान शास्त्री ने बताया कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना 100% देते हैं। बता दें कि टीम इंडिया का अगला विदेशी दौरा ऑस्ट्रेलिया का होगा, जहां उन्हें 3 वनडे, 4 टेस्ट और टी20 मैच खेलने हैं। कोच शास्त्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वो अपना 100% देंगे।